दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज साथियों, आज आपको पता होगा बिहार के राजनीति में 2014 में आप कहां थे और आज 2022 में आप अपने आप को कहां पा रहे हैं। ये सारा मौलाना मुकेश सहनी की सोच ही नहीं है कि आज हमारा आपका सीना गर्म से चौड़ा हो रहा है और सर उठाकर हम ये कहते हैं लोग निषाद वंश के। तो साथियों, अपनी सोच को मजबूत करना होगा। जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक कभी बड़ा नहीं हो सकते। क्योंकि आज तक आप जो लोग भी देखेंगे, आज माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं हो रहे कि आज प्रधानमंत्री हो गए। उनकी एक सोच थी, उनका मकसद था। आज से नहीं, 18 साल 20 साल की उम्र से काम करते करते आप देखिए देश के प्रधानमंत्री हो गए। और भी देश में राष्ट्रीय नेता और प्रदेश में जो प्रदेश लेवल की पार्टी है, बहुत सारे लोग नेता तभी हुए, बहुत सभी लोगों ने समाज के लिए काम किया। उनकी सोच थी, अगर हम जितना बड़ा सोचेंगे साथियों तभी हम बड़ा हो सकते हैं। अगर आप बड़ा नहीं सोच सकते तो आप कभी बड़ा नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग अपनी सोच को बड़ा करिए। जब तक हम सोच को नहीं बड़ा करेंगे साथियों तब तक बड़े नहीं हो सकते। दूसरा साथियों, हम सभी लोगों को अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अनुशासन देश को मान बनाता है। अनु मतलब होता है छोटा, शासन मतलब होता है शासन करने वाला। अगर आपको शासन करना है साथियों तो आपको छोटा बनना होगा। जब तक आप छोटा नहीं बनेंगे तब तक आप शासन नहीं कर सकते। आज सेंट्रल सिस्टम है। आज आप देखेंगे जिले में डीएम एक होता है। जितने तहसील हैं उतने डीएम होंगे, उसमें जितने थाना होंगे उतने दरोगा होंगे, लेकिन सरकार मालिक एक डीएम होता है। उसी प्रकार से हमारे बीजेपी पार्टी के सुश्री मोसना मोला मुझे शादी है। जो सेंट्रल सिस्टम होगा, जो पार्टी में नियम नियमावली बनेगी, आप देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो चीज फाइनल हो जाती है उनकी कमेटी में वो चीज होता ही नहीं होता। आज महाराष्ट्र का आप बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी देखिए केनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, जबकि देवेंद्र फडणवीस दो बार मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी उनकी 106 सीट है और केवल 38 विधायक रह जाकर वो वहां मुख्यमंत्री हुए। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो करंट कमेटी है उसका जो केंद्र कमेटी है वो पास करती है, केंद्रीय कमेटी तब जाकर माना जाता है। उसी प्रकार से जो भी सिस्टम बनाया जाता है, जो नियम नियमावली पार्टी के द्वारा बनाया जाता है उसका हमको अच्छा सा पालन करना। हम सभी लोग देखिए एक हाथ में जैसे 5 अंगुलियां बराबर है, हमारी अंगुलियां बराबर नहीं है, छोटी बड़ी है। उसी प्रकार से कोई प्रखंड का आरटीसीएल होगा वो प्रखंड की जिम्मेदारी लेगा, कोई विधानसभा स्तर का वो ज्यादा त्याग करेगा ज्यादा समय देंगे विधानसभा जिला में प्रदेश में आपकी इसी तरह सोचे साथी। और साथी आपको बिल्कुल मैं साफ बता देना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया की देन है। आप देखिए हर हर मोदी घर घर मोदी। अब 2 महीने 2014 में टीवी में चला, पेपर में चला, आज देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हो गए। आसाराम बाबू बलात्कारी है कि नहीं है, लेकिन टीवी चैनल में 2 महीने चला, दुनिया के लोग मान लेंगे बलात्कारी सही है नहीं सही है। इसलिए साथी हम सभी लोगों को, हम प्रिंट मीडिया हमारी पूरी बात नहीं, और मैं तो कहता हूँ देश में निशानवंश में इकलौते ऐसे नेता सनाम मल्ला मुकेश सहनी है कि सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये आप जितने भी प्रदेश में पार्टी बनी होंगी किसी भी प्रदेश में खास करके निशानवंश में कभी आप नहीं देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितना न्यूज चला होगा, कितना क्यों बीजेपी पार्टी की चली। आज साथियों बीजेपी पार्टी का नाम रखा गया है सनाम मल्ला मुकेश सहनी की सोच है, ऐसा नहीं बन गया। वो सोच के तहत मकसद के तहत बना है। आपके पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी बीजेपी पार्टी, आप सोचिए। इसलिए साथियों हम सभी लोगों को एकजुट होना होगा। देखिए 5 अंगुली अलग अलग रहेगी तो बारी बारी तोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम 5ों लोग मिलकर 1000 हम दुश्मन को तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते, हमको आपस में नहीं देखना है। बल्कि मेरा जो मेन दुश्मन है, जो मेरे घर के बाहर है, उसको टारगेट बनाना, उसको निशाना बनाना है और आने वाले समय में हमको उनको धूल चटाना है। और धूल तभी चटा पाएंगे जब हमारी मुट्ठी बंद होगी। हम एकजुट होंगे, हम अपने अनुशासन बनाएंगे, हम अपने बड़े पदाधिकारी की बात मानेंगे। अभी माननीय मंत्री जी एक सदस्यता के लिए जो आए थे, माननीय मंत्री जी ने कहा जिले में सदस्यता होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जिले में आप सदस्य बनिए, ऐसा नहीं कि आप प्रदेश अध्यक्ष आप हमारे पास आ जाए। तो आप ओवरटेक सिस्टम में करिए, सिस्टम से चलेंगे तभी जाकर आपका भी सम्मान होगा और तभी जाकर पार्टी उपलब्धियों को छुएगी। तो साथियों मैं और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस एक ही बात कहूंगा कि आप जितने भी, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम एक
प्रदेश के और बिहार की धरती से देखा। और माननीय मंत्री जी, इससे पहले भी हम चुनाव में और अभी गोधरा चुनाव में लोग बिहार चुनाव में साबित कर रही है, जो निषाद वंश के लोग हैं वो किसी और नहीं पिछड़े के लोग जो है वो सनामाला मुकेश बीजेपी पार्टी के साथ है। ये बिहार में नहीं पूरे देश में मैसेज गया है, आप लोग अपने आप को छोटा मैसेज दिए आपकी पार्टी घूम पड़ी चाहती है। इसलिए आप सभी लोग अब एकजुटता का परिचय देकर आगे का जो मिशन होगा उसके तहत हमको काम करना है। अब हम आगे न बात कराते इसी पार्टी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी को जय निषाद वंश के लोगों के बीच में सलाम प्रभात के नाम से जाने जाने वाले पूर्व मंत्री के पूर्व शब्द का जो भी इस्तेमाल करता और जब मैं आज कर रहा हूं, यकीन मानिए कि दिल में तीर सा चुभ जाता है। इसी विषय पर आपसे सभी सम्मानित साथी नेतागण उपस्थित, ये हमारे नौजवान साथी सूरवीर निषाद वंश के लाल अति पिछड़ों के लाल, मैं झगड़ू राम निषाद आप सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अरे मेरे हमदम, कई महीनों से बोला नहीं, अरे मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे हमराज सुन, इसके पहले हम आते थे मंत्री आवास था, आज पूर्व मंत्री। अरे मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे हमराज सुन, जिंदगी के साज की बैठी हुई आवाज सुन, जख्म खाई अंगुलियों की तेजियां किस काम की, आपकी अंगुलियां फेसबुक पे सोशल मीडिया पे चलते हैं, जख्म खाई अंगुलियों की तेजियां किस काम की, इब्तिदा यानी शुरुआत, इब्तिदा में सुन रहा हूं हिचकियां अंजाम। यकीनन एक अजीब सा माहौल बना, आशा और उम्मीद की किरण जगी। मंत्री ने जिस दिन शपथ लिया था तो हमने सोशल मीडिया पे लिखा था और साथ ही सोशल मीडिया पे मुझे याद किया कि पूर्व से सूर्य का उदय हो रहा है, निषाद वंशियों का पिछड़ों का सूर्य आज उदय हो रहा है। सूर्य यकीनन रोज अपने समय पर निकलता है और रोशनी पूरे जहान को मिलती है, लेकिन उससे ताकतवर कोई और होता है जिसके ऊपर वो सूर्य की रोशनी प्रतिरोध ताकतवर होता है। और जो जो इंसान, जो पेड़ पौधे, जो जंतु अंदर रहते हैं जिन पर रोशनी नहीं पड़ती, देखिए तो कमजोर हो। ऐसे ही राजनैतिक सूर्य हम सभी कमजोर वर्ग के लोगों का, पूरी दुनिया में अगर निषाद कल्चर सबसे प्राचीन है और पूरी दुनिया में हम विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और संख्या में बहुतायत होने के बावजूद भी अगर राजनीति के सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर नहीं पड़ती तो आज हम निषाद वंशियों का ये राजनीतिक पेड़ कमजोर है कि नहीं है। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।